एसटी कर्मचारियों ने आज अचानक एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के घर पर हमला कर दिया। एसटी कर्मचारियों ने सिल्वर ओक पर जूते चप्पल फेंके, पथराव किया। मुंबई में शरद पवार का निवास सिल्वर ओक सिक्योरिटी जोन में है। इसके बावजूद एसटी कर्मचारियों की बड़ी संख्या में यहां पहुंचकर हंगामा करने से सनसनी मच गई है। हालांकि उस वक्त सिल्वर ओक में मौजूद सुप्रिया सुले ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की काफी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियां कुछ भी सुनने समझने की स्थिति में ही नहीं थी। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि पिछले कई हफ्तों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन एनसीपी ने उनके लिए कुछ नहीं किया। सिल्वर ओक पर हमले की खबर के बाद मुंबई में राजनीतिक हलचल चरम पर है। गृहमंत्री दिलीप वलसे पाटिल सिल्वर ओक पहुंच चुके हैं और उन्होंने मामले की जांच के आदेश दिए हैं। हमले के तुरंत बाद मुंबई पुलिस के आला अफसर भी सिल्वर ओक पर पहुंचे। अदालत ने एसटी कर्मचारियों को 15 अप्रैल के पहले काम पर लौटने के पहले ही आदेश दे रखी है। ऐसे में शरद पवार के बंगले पर हमला कर एसटी कर्मचारियों ने खुद के लिए एक नई मुसीबत मोल ली है। लगता है जैसे जैसे 15 अप्रैल करीब आ रही है, एसटी कर्मचारी अपना आपा खोते जा रहे हैं। ऐसा होना उनके लिए उचित नहीं होगा। मेट्रो मुंबई के लिए निशा ठाकुर के साथ उपेंद्र पवार की रिपोर्ट।